नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस कहानी से आप अपने ध्यान को केंद्रित करना सीख जाओगे, मन को शांत करना सीख जाओगे। यह कहानी भगवान गौतम बुद्ध की है। इस कहानी को ध्यान से पूरा सुने। बुद्ध कहते हैं, आप तब तक उस मार्ग पर नहीं चल सकते जब तक आप खुद वह मार्ग नहीं बन जाते। लोग सवाल पूछते हैं, मेरा मन नहीं लग रहा, मैं क्या करूं? मैं मन को शांत करना चाहता हूं, एकांत करना चाहता हूं, मन को साधना चाहता हूं, हर तरह के फालतू के विचारों से मुक्ति पाना चाहता हूं, पर मेरा मन कहीं लगता ही नहीं, वो हमेशा भटकता रहता है। आइए एक कहानी के जरिए हम आपको थोड़ा इसे समझाने की कोशिश करते हैं। एक गुरु अपने शिष्यों को ध्यान साधना सिखा रहे थे। तभी एक शिष्य बोला, हे गुरुवर, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? गुरुजी ने कहा, बिल्कुल पूछ सकते हो। शिष्य ने कहा, जैसे मैं पानी पीता हूँ तो मेरी प्यास बुझ जाती है, या कोई भी पानी पीता है तो उसकी प्यास बुझ जाती है, तो यह ध्यान के संबंध में ऐसा क्यों नहीं होता? जब हम आपके कहे अनुसार एक जैसा ध्यान करते हैं, तो हम में से कोई पहले तो कोई बाद में तो कोई कभी भी ध्यान की स्थिति को प्राप्त कर ही नहीं पाता, ऐसा क्यों होता है? जैसे पानी से सबकी प्यास बुझ जाती है, वैसे ही ध्यान से सबके ज्ञान चक्षु खुल जाने चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। गुरुजी ने कहा, कल किसी ने भोजन पर हमें आमंत्रित किया है, कल तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर वही दूंगा। अगले दिन दोनों गुरु शिष्य भोजन के लिए एक धनी व्यक्ति के घर पहुँचे। धनी व्यक्ति की पत्नी ने उन्हें भोजन पर बुलाया था। दोनों भोजन करने बैठ जाते हैं, उन्हीं के साथ उस स्त्री का पति भी भोजन करने बैठा हुआ था। उसने अपने सभी नौकरों पर चिल्लाकर कहा, ये क्या बेकार सा भोजन बना रखा है, इसमें कोई स्वाद नहीं है। वह भोजन की थाली फेंककर नौकरों से कहता है कि जाओ दोबारा ढंग का भोजन बनाकर लाओ। धनी व्यक्ति की पत्नी उन दोनों गुरु शिष्य से क्षमा मांगकर उन्हें भोजन परोसने लगी। दोनों ने भोजन किया, गुरु ने अपनी थाली में दो रोटी छोड़ दी। गुरु ने उस स्त्री से कहा कि बेटी, क्या तुम मुझे यह दो रोटी बांध कर दे सकती हो? स्त्री ने उन रोटियों को बांध कर दे दिया। उसके बाद दोनों वहां से निकल गए। रास्ते में गुरु जी ने शिष्य से पूछा कि तुम्हें भोजन कैसा लगा? शिष्य ने कहा, भोजन तो अति स्वादिष्ट था, मुझे पसंद आया, मुझे भोजन करके बहुत अच्छा लगा। गुरु ने कहा, इससे अधिक तुम्हें और कुछ नहीं लगा? शिष्य ने कहा, इससे अच्छा और क्या लग सकता है? गुरुदेव, मेरी भूख मिट गई, मेरा पेट भर गया। गुरुजी ने कहा, भोजन तो अच्छा था, फिर वो उस स्त्री के पति को भोजन पसंद क्यों नहीं आया? भोजन तो अच्छा बना था ना, भोजन एक ही था, तब उसे पसंद क्यों नहीं आया? शिष्य ने कहा, आप ठीक कहते हैं गुरुदेव, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ, आप ही कुछ बताएं। गुरुजी ने कहा, अभी तो मेरे साथ आगे चलते रहो। गुरु शिष्य चलते चलते बहुत दूर निकल आए। शिष्य ने गुरुजी से कहा, गुरुदेव, हम हमारे आश्रम के मार्ग पर तो नहीं है, फिर हम कहाँ जा रहे हैं? गुरु ने कहा, बस चलते रहो। बहुत दूर चलने के बाद एक फटेहाल व्यक्ति गुरुजी के सामने आ गया और उनके चरणों में गिर गया और बोला, हे परमात्मा, मेरी मदद करो, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया है, आप कृपया कर मुझे कुछ खाने को दें। गुरुजी ने उस व्यक्ति को एक पेड़ के नीचे बिठाया और उन दो रोटियों को निकाल कर दिया जो उस महिला ने उन्हें बांध के दी थी। रोटियों को देखते ही उस गरीब व्यक्ति की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत उन दो रोटियों को लेकर थालियां खाते समय उस व्यक्ति की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो रो रहा था और खाता जा रहा था और हाथ से इशारे कर रहा था, जैसे वो किसी अदृश्य शक्ति को कह रहा हो, तेरा धन्यवाद इस रोटी के लिए। खाने के बाद उसने गुरुजी को प्रणाम किया और धन्यवाद कहा। गुरुजी ने उस व्यक्ति से पूछा कि भोजन का स्वाद कैसा था?
उसने कहा, स्वाद स्वाद तो था ही नहीं, केवल जीवन था, परमात्मा और ईश्वर था। ये रोटियां नहीं थी, यह तो साक्षात जीवन था। यह कहकर वह व्यक्ति वहां से चला गया। गुरु ने शिष्य से कहा, देखो भोजन वही था, लेकिन एक व्यक्ति को उसमें स्वाद नहीं आता, तुम्हें उसमें स्वाद आया, तुम्हें भोजन पसंद आता है, लेकिन वही एक व्यक्ति को इस भोजन में स्वाद नहीं आता, बल्कि वह इसमें ईश्वर परमेश्वर और जीवन को देख लेता है। इसी से पता चलता है कि व्यक्ति और भोजन की तृप्ति में भी अंतर है। पहले व्यक्ति की इसमें कोई तृप्ति नहीं होती, तुम्हें थोड़ी तृप्ति होती है, और इस व्यक्ति को अनंत तृप्ति होती है। ऐसा ही ध्यान के संबंध में होता है। जिसको जितनी ज्यादा प्यास होती है, वो उतनी ही जल्दी मार्ग बना लेता है। उस शिष्य की जिज्ञासा का समाधान हो गया था, उसके प्रश्नों का उत्तर उसे मिल गया था, लेकिन प्रश्न का उत्तर अभी हमें नहीं मिला। प्रश्न था, मन क्यों नहीं लगता? दोस्तों, जो लग जाए वह मन नहीं है, मन का स्वभाव ही है भागना। जब हमारे पास कोई चीज अत्यधिक होती है, तब मन उससे भागने लगता है। जैसे उस धनी व्यक्ति का मन जिस भोजन से भाग रहा था जो उसके लिए आम बात थी, लेकिन जब कोई चीज हमारे पास सीमित मात्रा में होती है और हमें मिल भी जाती है, तब हमारा मन उससे जुड़ा भी रहता है और हम उस चीज की थोड़ी बहुत अहमियत भी रखते हैं। जैसे उस शिष्य का मन जो उस भोजन से थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ था, तो उसने उस भोजन के स्वाद को भी जाना, लेकिन जब हमें कोई चीज चाहिए होती है और वह हमारे पास नहीं होती, तो पहले हमारा मन उस चीज के लिए बहुत लालायित रहता है, वह हर हाल में उसे पा लेना चाहता है। लेकिन जब कोई चीज प्राणों से जुड़ी हो, जैसे कि वह दो रोटी, और जब बात प्राणों पर आ जाए, तब मन गायब हो जाता है। तब आप स्वाद नहीं देखते, भोजन का प्रकार नहीं देखते हैं, तब आपको सिर्फ भोजन चाहिए होता है, तब आप एकाग्र हो जाते हैं भोजन के लिए, जो मिले उसी में आपको आनंद आ जाता है। स्वाद हो या ना, आपके प्राण अंदर तक उसे स्वीकार कर लेते हैं, और यह तब होता है जब मन नहीं होता। हम हमारे मन को लगाने की बहुत कोशिश करते हैं, कुछ पढ़ाई में लगाने की कोशिश करते हैं, तो कुछ अपने काम में लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि मन कहीं नहीं लगता, और यह लग भी नहीं सकता, क्योंकि इसका का किसी चीज में लगना है ही नहीं, बल्कि इसका काम है आपको भगाना इधर से उधर। एक चीज आपको मिली तो दूसरी चीज पर ले जाना, दूसरी चीज आपको मिली तो तीसरी चीज पर ले जाना। मन संतुष्टि को नहीं जानता, वह केवल पाना जानता है। पाने के बाद भूल जाना जाता है, जो मिल गया उसे छोड़ देने की आदत होती है, जो छूट गया उसे फिर से पा लेने की आदत मन की होती है। अपनी जिंदगी के पिछले हिस्से को देखें और जाने कि क्या आपका मन कहीं लगा है, कहीं रुका है, या वह केवल आपको अभी तक भगा रहा है। अब सवाल आता है कि अगर मन का काम भागना या फिर भगाना ही है, तो क्या जिंदगी भर हम भागते ही रहेंगे? क्या हम कहीं रुकेंगे नहीं? ध्यान से देखो तो जिंदगी ऐसी ही है, जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान भागता ही रहता है, कभी किसी चीज के पीछे तो कभी किसी दूसरी चीज के पीछे, लेकिन फिर भी कुछ इंसान अपवाद हो जाते हैं, फिर वह रुक जाते हैं, भागना बंद कर देते हैं, तब चीजें उनके पीछे भागती है, वह किसी चीज के पीछे नहीं भागते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण स्वयं गौतम बुद्ध। हम आम लोग कैसे अपने जीवन में ठहराव ला सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन में एकाग्रता ला सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन में अपने मन को अपने आप नियंत्रित करने से रोक सकते हैं? और इसका एक ही रास्ता है, वह ध्यान। ध्यान व्यवस्था लाता है, मन भागता है, ध्यान ठहराता है, लालच देता है,
ध्यान लालच को देखने की दृष्टि देता है। मन कहता है दूसरी चीज को पकड़ लो, ध्यान कहता है जो मिला है उसे जान ले। ध्यान एकाग्रता लाता है, लेकिन ध्यान को लेकर भी हम भ्रमित रहते हैं। ध्यान का मतलब आंखें बंद कर बैठ जाने को ही समझ लेते हैं। एक छोटी बच्ची बहुत अच्छी बांसुरी बजाती है, जब वो बांसुरी बजाती है तब उसके सुर में खो जाती है, तब उसका मन गायब हो जाता है, उसके प्राण केवल उस बांसुरी की धुन में ही रम जाते हैं और यही उसका ध्यान बन जाता है। लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस लड़की को उस बांसुरी में रस आता है, आनंद आता है, यही उसकी प्रकृति है, वो वही कर रही है जो वो कर सकती है। एक अध्यापक है, जब वो अपने छात्रों को पढ़ाता है तो उसमें खो जाता है, वो अपने प्राणों से उस पढ़ाने का आनंद लेता है, उसे उसमें रुचि है, यही उसकी प्रकृति है। जब वो पढ़ा रहा होता है तब उसके मन में कोई हलचल नहीं होती, वह तब ना तो भूतकाल की बात सोचता है ना भविष्यकाल की, वो केवल वर्तमान के क्षण में ही रहता है और यही उसका ध्यान है। जो व्यक्ति जो है, अगर वो वही होने लगे तो उसमें स्वतः से ही ध्यान घटित होने लगता है, वो एकाग्र होने लगता है। लेकिन जब व्यक्ति कुछ होने की कोशिश करता है तो उसका मन हावी होने लगता है, एकाग्रता टूट जाती है और तब हम भागते रहते हैं, सब कुछ पा लेते हैं तब भी सोचते हैं कि कुछ रह गया है, और ये अधूरापन कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि जो आप हो सकते थे, जो आपकी प्रकृति थी, वो आप नहीं हुए, बाकी सब कुछ हो गए। ऐसे ही आप हमेशा अधूरे रह जाते हैं, तब मन कहीं नहीं लगता, मन की प्रकृति ही लगने की नहीं है। जो लगता है वह एकाग्रता है, वह ध्यान, और जहां आपको एकाग्रता मिल जाए समझ लेना वही आपके लिए बना है, जिस पर चलकर आप संपूर्ण हो सकते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।